हम ये देख रहे हैं कि यूनियन डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर को कुछ बातों पे बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जहां बैठती हैं संसद में, उससे दो रो पीछे एक आदमी बैठता है जिसका नाम है बृजभूषण सिंह। उस आदमी ने देश की ओलंपिक रेसलर्स के साथ यौन शोषण किया है, उनकी कमर पे जबरन हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है, पर इस बात पे तो यूनियन डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता जब राम रहीम जैसे रेपिस्ट और मर्डरर को हरियाणा सरकार बार बार आजाद कर देती है पेरोल के नाम पर। इन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर जल रहा है और वहां पे लड़कियों को नंगा करके सड़क पे घुमाया जाया गया और उसके बाद उनके साथ गैंगरेप किया गया। इन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता जब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद उसकी आंखों के सामने 7 लोगों का, उसके परिवार वालों का मर्डर कर दिया जाता है और ऐसे रेपिस्ट और मर्डरर जो कि कन्विक्टेड है उनको आजाद कर दिया जाता है इंडिपेंडेंस डे पे देश की सरकार द्वारा। तो इन्हें गुस्सा नहीं आता इन मुद्दों पर। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा देश में तो कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं एंड व्हाई डज शी हैव टू एंगेज इन सच चीप व्हाटअबाउटरी। देखिए पार्लियामेंट में क्या हुआ इसकी जांच तो संसद में होगी, पर सवाल ये है कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है लेकिन जब देश की बेटियों का सवाल उठता है तब उनका गुस्सा बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। अब इस देश के ये हाल हो गए हैं कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है या नहीं, इस बात पर बृजभूषण जैसे गुंडे लोगों को ज्ञान देंगे। तो मैं उनकी बात पे कुछ नहीं बोलना चाहती, सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं कि न्याय स्ट्रांग होता है और ये आदमी बहुत ही जल्दी जेल के पीछे पाया जाएगा।